नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। नया दिन, नई शुरुआत, नए व्लॉग के साथ। और आज है महाशिवरात्रि, तो मेरी तरफ से सभी दोस्तों को हैप्पी महाशिवरात्रि। महादेव हमेशा आपके साथ बने रहे और हमेशा आपके परिवार को खुश रखे। और आज है वुमन डे भी, तो सभी वुमन्स को मेरी तरफ से वुमन्स डे, और हमेशा खुश रहिए सभी वुमन्स। और आज मैंने व्लॉग शुरू किया है, कुछ दोपहर के 12:30 बजे है दोस्तों। सवेरे में जो व्लॉग शुरू करना था, लेकिन बच्चों को ऑफिस पे जाना था और टिफ़िन बनाना था, सब काम घर पे पूरा का पूरा था, इसलिए मैं सवेरे नहीं कर सकी व्लॉग, शुरुआत नहीं कर सकी व्लॉग की। अभी से मैं व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो आज है शिवरात्रि और मेरा उपवास है दोस्तों। मेरा भी उपवास है, मेरे पतिदेव का उपवास है, मेरी बेटी का भी उपवास है। और आज हम लोग महादेव की पूजा भी छोटी सी घर में करेंगे दोस्तों। और आगे जो भी रहेगा वो मैं आपके साथ बनी रहूँगी दोस्तों, ऐसे ही आप मेरे व्लॉग को देखिए। चलिए हम आगे मिलते हैं आपको दोस्तों। आज जो भी मुझे घर का काम था, मैंने आज सब घर का काम कर लिया है। झाड़ू पोछा जो भी कुछ था वो काम कर लिया है, लेकिन अभी भी और काम मुझे बाकी है, क्योंकि मुझे अभी मेरे बर्तन भी धोने हैं और मेरे महादेव को भी स्नान भी करवाना है, जो मैंने अभी तक नहीं करवाया। क्योंकि सुबह देखिए मेरे महादेव यहाँ पर विराजमान है, तो उनको मुझे अभी मैं उनको स्नान करवाऊंगी। फिर बाद में जो मेरे यहाँ पे बर्तन है वो बर्तन को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँ। थोड़ा बहुत काम है जो अभी मैं फटाफट कर लेती हूँ दोस्तों। फिर आगे जो पूजा की हम लोग तैयारी करेंगे, तो आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों मुझे काम था, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज कर लिया, नाइटी पहन ली, क्योंकि मुझे ड्रेस पर काम करना पसंद नहीं है। नाइटी पहन के मैं काम करती हूँ घर का, इसलिए मैंने नाइटी पहन ली है अभी। और मैंने महादेव का स्नान भी करवा लिया है, आपको मैं दिखाती हूँ मेरे महादेव। ये रहे मेरे महादेव। महादेव का मैंने अच्छे से स्नान करा लिया। अभी महादेव को कुछ भी अर्पित नहीं किया पूजा में, अभी करना सब बाकी है। हर हर महादेव। तो दोस्तों महादेव का तो स्नान हो चुका है, लेकिन मैं अपने पतिदेव की राह देख रही हूँ, क्योंकि मेरे पतिदेव अभी तक घर पर आए नहीं है। मैं उनकी राह देख रही हूँ, वो आएंगे तभी हम पूजा की तैयारी शुरू करेंगे, महादेव की पूजा करेंगे। पूजा तो हम शाम के टाइम में ही करेंगे, अभी तो कुछ 3:30 बजे है। अभी पतिदेव गए काम से कुछ बाहर, जब वो आएंगे तभी हम महादेव जी की पूजा करेंगे। से अभी किसी की बारात निकलने वाली है, पता नहीं किसकी निकलने वाली है। ढोल तो बज रहे हैं और आप सुन रहे हो कि बाहर ढोल बज रहे हैं। मैंने अभी आपको बाहर से दिखाया था, सुनाई दे रहे हैं आपको ढोल बज रहे हैं। किसी की बारात निकल रही है अभी, किसकी वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इस टाइम वो जो शादी करने जा रहा है ना, वो भी शायद लकी होगा, क्योंकि इस टाइम पे वो महाशिवरात्रि पे शादी करने जा रहा है। अच्छी बात है, महाशिवरात्रि के दिन तो आपको भी पता है कि महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी, और वो मोमेंट, वो जो दिन कितना खूबसूरत रहता होगा जब महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हमने तो सीरियल में देखा था जो उनकी शादी हुई थी, वो महादेव की सीरियल आती थी, तो मैंने सारा का सारा एपिसोड, सभी का सभी एपिसोड मैंने देखे। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो महादेव की सीरियल देखना, और कभी भी मैं मतलब फ्री भी रहती हूँ ना, तो अपने मोबाइल में भी वो सीरियल देख लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हमारे जो भी त्यौहार रहते हैं वो भी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, हर त्यौहार हम मनाते हैं। त्यौहार तो हमारा मनाना ही चाहिए दोस्तों, और जो शिवरात्रि है वो तो स्पेशल दिन है। और आज के दिन तो मतलब पूरा दिन जो भी आप काम करने जाओ ना, कुछ भी काम करने जाओ, आपके लिए हमेशा शुभ ही रहता है, क्योंकि उस दिन ना ही कोई मुहूर्त आता है, कुछ भी नहीं। महादेव और माता पार्वती का वरदान है कि महाशिवरात्रि में कोई भी संकट, मतलब किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा, सारा दिन पूरा दिन ही अच्छा रहेगा। आप किसी भी दिन पे, किसी भी टाइम, मतलब सॉरी, किसी भी टाइम पे आप काम करो अच्छा कोई भी, तो आपका वो सफल हो ही जाएगा। और क्यों नहीं, इस दिन ही तो महादेव और माता पार्वती की शादी हुई थी। हमारे वहाँ जहाँ मम्मी डैडी रहते हैं वहाँ इस दिन उन लोगों ने सजाया है कि नहीं, मुझे पता नहीं, मैं गई नहीं हूँ घर पे वहाँ पे। अगर जाओगी तो आपको शोर में ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन अभी मुझे अपने घर में छोटी सी महादेव की पूजा करनी है शाम के टाइम पे। तो मेरे पतिदेव आएंगे तो हम बाद में पूजा करेंगे, क्योंकि पतिदेव ये बता रहे हैं कि बच्चे भी काम पे आ जाए तो बच्चे भी शामिल हो पूजा में, तो हम सब लोग पूजा में साथ में बैठे तो अच्छा लगता है दोस्तों।
अकेले अकेले दो पति पत्नी क्या पूजा करेंगे, साथ में बच्चे भी तो रहने चाहिए ना, उनको भी तो आशीर्वाद महादेव और माता पार्वती का मिलना चाहिए। अभी मेरे आवाज़ के बीच में ढोल का भी आपको आवाज़ सुनाई देता होगा दोस्तों, लेकिन क्या करें, बारात निकल रही है, जो भी शादी कर रहा है उसको भी बेस्ट ऑफ लक। और आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के दिन मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ। और एक घंटा मैं आराम करना चाहती हूँ, क्योंकि एक घंटा अगर मैं आराम कर लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जागरण भी तो करना है दोस्तों, आज शिवरात्रि है और पूजा भी करनी है। तो पति तो आए नहीं है घर पे, तो मैं एक घंटा सो जाती हूँ, फिर बाद में आपको मिलती हूँ, लेकिन बने रहिए मेरे व्लॉग में, ओके दोस्तों। दोस्तों अभी शाम के 6:30 बजे है और मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, कॉफ़ी पी लूँ। तो दोस्तों आइए मेरे साथ कॉफ़ी पीने, मैंने कॉफ़ी बना ली अपने लिए और मैं और मेरे पतिदेव कॉफ़ी पी रहे हैं। आप भी आइए कॉफ़ी पीने, पतिदेव के साथ मुलाकात मैं आपकी बाद में कराऊंगी, वो थक गए हैं बहुत ज़्यादा, बाद में उनसे मिलाती हूँ, आइए आप लोग कॉफ़ी पीने। दोस्तों अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, अभी मैं बाहर जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी मैं बाहर से सामान ले कर आती हूँ। अभी यहाँ पर आई हूँ मैं कुछ सब्ज़ी लेने, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना है और खाना भी पकाना है। इस भाई के पास आई हूँ सब्ज़ी लेने, और यहाँ पे देखो पूरा रोड खोद के रख दिया है, चलने का रास्ता भी बंद कर दिया है। यहाँ पे करियाने की दुकान पे आई हूँ चावल लेने, कल मुझे खीर बनानी है, प्रसाद धरना है महादेव जी को। अभी ये चावल देखती हूँ, बाहर से सब मैं सामान लेके आ चुकी। ये रही मेरी सब्ज़ी, कल मुझे खाना पकाना है, और ये तो थोड़े से वेपर है, ये मेरी सब्ज़ी है। कल मैं बनाने वाली हूँ सुबह पाव भाजी, पाव भाजी सुबह मैं बनाने वाली हूँ कल, तो उसके लिए सब सामान लेने गई थी और लेके आ चुकी, क्योंकि कल महादेव को प्रसाद भी करना है महादेव के लिए, तो थोड़े से चावल भी चाहिए, काजू बादाम किशमिश सब चाहिए, तो वो भी लेके आ चुकी। और सवेरे बहुत जल्दी उठूँगी, खाना बनाऊँगी, प्रसाद भी बनाऊंगी महादेव के लिए। और अभी भी हमने पूजा की तैयारी शुरू नहीं की है, अभी करनी है, करते हैं महादेव की पूजा। तो अभी हम महादेव की पूजा करने जा रहे हैं, और सभी सब कुछ मेरे पतिदेव ने सजा के रख दिया है। आ गए मेरे पतिदेव बाहर से, तो अभी हम महादेव की पूजा करते हैं और महादेव जी का नाम लेते हैं। अभी यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, शिव शंभु को अच्छी तरह से सजा दिया है, साथ में गणेश जी है, बिलपत्र भी रखे हुए हैं, और यहाँ पे मेरे भगवान को भी फूल अर्पित कर चुके हैं। और आज वुमन डे है, लेकिन पतिदेव ने ना ही मुझे विश किया, गिफ्ट देने की बात तो बहुत दूर रही, लेकिन विश भी नहीं किया वुमन डे पे। ओम शिवाय नमः, ओम शंकराय नमः, महादेवाय नमः, ओम उमा प्रियाय नमः, ओम पार्वती पते नमः, ओम चितिकंठाय नमः, ओम स्फटिक प्रभाय नमः। दोस्तों महादेव की पूजा हमने कर ली, अच्छे से हो गई पूजा महादेव की, और मेरा बेटा भी जिम में गया है, अभी तक आया नहीं है, तो अभी मैं उसके लिए सत्तू शेक बना देती हूँ, क्योंकि वो भी जिम से आएगा, तो उसके लिए मैं सत्तू शेक बना दूँ। और मेरी बेटी भी गई है मेरे मम्मी के घर पे, क्योंकि वहाँ भी शिवरात्रि का छोटा सा फंक्शन रखा है, तो वो वहाँ गई है, अभी वो भी आई नहीं है, मैं भी वहाँ पर गई नहीं थी, अगर जाती तो आपको ज़रूर बताती, बस मैं घर पे ही हूँ, और पूजन भी करना था, काम भी था, इसलिए मैं वहाँ पे गई नहीं। और अभी मेरी बेटी आएगी, बेटा भी आएगा, अभी उसके लिए मैं ये सत्तू शेक बना लेती हूँ। आज दूसरा दिन है दोस्तों, और सुबह सुबह मैं बहुत जल्दी उठ चुकी थी, क्योंकि मुझे खाना पकाना था, मैंने कल ही आपको बताया था, और सुबह सुबह मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे बच्चे लोग सोए थे, और मेरे आवाज़ भी अगर ज़ोर से निकलती तो उन लोग की आँख खुल जाती,
इसीलिए मैं सुबह सुबह वीडियो नहीं शूट कर सकी और अभी कर रही हूँ। तो सुबह उठ के ही मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, और मैंने क्या खाना बनाया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने पाव भाजी बनाई है, देखिए दोस्तों मस्त पाव भाजी बनाई है। आज हम उपवास में पाव भाजी खा के उपवास छोड़ेंगे, महादेव जी का उपवास छोड़ेंगे। और यहाँ पे प्रसाद बनाई है, खीर बनाई है महादेव को धूप करने के लिए। अभी हम कुछ ही टाइम के बाद, मतलब थोड़े टाइम के बाद धूप करेंगे, महादेव को चढ़ाएंगे प्रसाद। ये खीर और ये पाव भाजी ये मैंने बना ली। तो दोस्तों मैं अभी सरकारी दफ्तर में आई हूँ, लेकिन अभी मेरा काम नहीं हुआ है। कब से मैं और मेरे बेटे यहाँ पे बैठे हैं, हम दोनों आए हैं कुछ काम करने। आपको बताऊँगी मैं खुशखबरी बाद में, अभी नहीं। मेरा बेटा पतिदेव बाहर गए हैं। यहाँ पर देखिए कितनी सारी लाइन है, यहाँ से सब लोग लाइन में हैं, आगे जा रहे हैं, यहाँ भी भीड़ वहाँ भी भीड़। तो दोस्तों हमने अभी भी महादेव का धूप भी कर लिया और प्रसाद भी ग्रहण कर लिया, और हमारे साथ आज एक मेहमान आए हैं जो अभी हमारे साथ डिनर करेंगे। लंच करेंगे। ये हमारे बहुत ही मूल्य, मतलब बहुत ही महंगे मेहमान हैं हमारे। जब भी हम बुलाते हैं तभी आते नहीं हैं, आज पहली बार आए हैं ये। दोस्तों शिवरात्रि हो चुकी है, व्रत भी हमने छोड़ लिया महादेव जी का, और अभी बस यहाँ पर मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। और बर्तन भी यहाँ पे बहुत सारे धोने के लिए रखे हैं, अभी वो काम करती हूँ। और उस वो काम करने के बर्तन धोने के बाद थोड़ा आराम कर जाती हूँ। तो अभी इस व्लॉग की समाप्ति मैं यहाँ करती हूँ। दोस्तों मिलते हैं नए व्लॉग में। ओके, बाय 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 बाय।